आज मैं आपको शरीर की सबसे अनमोल धातु यानी कि वीर्य के बारे में बताने वाला हूँ। जैसा कि वैज्ञानिक लोगों का कहना है कि जो हम खाना खाते हैं उससे बनता है पहले रस, फिर रक्त, फिर मांस, फिर मेद, अस्थि, मज्जा और आखिरी में जाकर बनता है वीर्य। वीर्य बनने में लगभग 35 से 40 दिन का समय लगता है। हर एक धातु के अलग अलग गुण होते हैं, लेकिन जो वीर्य धातु है वह कुछ विशिष्ट है। कई लोग यह समझते हैं कि वीर्य मतलब सेक्स, वीर्य मतलब हस्त मैथुन, वीर्य मतलब मजा, जो कि ठीक है, लेकिन वीर्य मतलब सेक्स नहीं होता। अगर हम आयुर्वेदा की नज़र से देखें तो वीर्य एक विशिष्ट धातु है। आयुर्वेद में वीर्य का मतलब कहा गया है अगर व्यक्ति वीर्यवान है तो उसके अंदर धैर्य रहेगा, उसके अंदर उत्साह रहेगा। शरीर में जो बल ताकत होती है वह हमारे वीर पर ही डिपेंड होता है, यानी कि जितना अच्छा वीर्य रहेगा उतना ही हमारे अंदर बल रहेगा, उतना ही ताकत हमारे अंदर रहेगी। जो व्यक्ति वीर्यवान होता है उसका चेहरा सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, यानी कि उसका चेहरा आकर्षक होता है। लेकिन जो व्यक्ति हस्त मैथुन करता है, अधिक वीर्य नाश करता है, उसका चेहरा अट्रैक्टिव नहीं दिखता, उसके चेहरे में वो तेज, वो ओज नहीं दिखता। और अगर व्यक्ति के शरीर में वीर की कमी है तब उसके अंदर क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। जो इंसान ज़्यादा वीर नाश करता है उसका शरीर दुबला और कमज़ोर हो जाता है, उसके गाल पिचकने लगते हैं, उसको हमेशा थकावट महसूस होती है। जब भी वह कोई काम करता है वह जल्दी ही थक जाता है। वीर की कमी के कारण कई लोग नपुंसकता के शिकार हो जाते हैं। कई लोग इस वीर की कमी के कारण कभी संतान उत्पत्ति नहीं कर पाते हैं, वे कभी एक पिता नहीं बन पाते हैं। शरीर की सबसे पावरफुल धातु है वीर्य, इसलिए इसे व्यर्थ ना बहाएं और ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। दोस्तों आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना और कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिख देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ब्रह्मचर्य और फिटनेस से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ।